पूरे भारत को 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार है। इस दिन अयोध्या में श्री राम अपनी जन्म स्थली पर भव्य और नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। 16 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा तक कई कार्यक्रम और पूजाएं की जाएंगी। 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। राम भक्तों और सनातनियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के धर्म एवं आध्यात्मिक नगरी माता सबरी की जन्मभूमि के नाम से श्री नारायण को जाना जाता है। माता सबरी जी ने प्रभु श्री राम जी को वनवास काल में जूठे बेर खिलाए थे। यहाँ प्रभु श्री राम ने माता सबरी के जूठे बेर खाकर अपने प्रेम से कई संदेश दिए। शिवनारायण मंदिर परिसर में आज भी वह पेड़ मौजूद है जिसका नाम कृष्ण वट के नाम से जाना जाता है, और वह पेड़ को गमला में रोपण कर अयोध्या नगरी मंदिर में रोपण किया जाएगा। इस पेड़ की पत्तियां दोने के आकार की होती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता सबरी ने उसी पेड़ की पत्ती पर रख कर बेर खिलाई थी राम जी को। उसके बाद भगवान के प्रभाव से इस पेड़ की पत्तियाँ स्वयं दोने के रूप में बदल गई। इस बेर को श्री नारायण से कोरबा व दीपिका के राम भक्तों व नगर के राम भक्तों द्वारा सर्वप्रथम भगवान नर नारायण जी के दर्शन व पूजा अर्चना कर सुसज्जित ढंग से रथ में सवार होकर अयोध्या मंदिर ले जाया जा रहा है। यात्रा प्रारंभ के दौरान बड़ी संख्या में नगर के राम भक्त व महिलाओं ने डीजे की धुन में व राम भजन की धुन में बड़े उत्साह के साथ थिरकते नजर आए और जय श्री राम के नारे भी लगाए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। शिवरी नारायण नगर जो है दंडकारण्य क्षेत्र में आता है। भगवान राम वनवास काल के दौरान यहाँ आए थे और माता सबरी से जूठे बेर खिलाए थे। तो आज हमारे छत्तीसगढ़ के 35 लाख यदुवंशियों की तरफ से हमारे क्षेत्र के जो मीठे बेर हैं वो रामलला को अर्पण करने अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। जय श्री राम। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 500 साल बाद ये सौभाग्य हम भारत देशवासियों को हुआ है कि अयोध्या में श्री भगवान राम जी की स्थापना हो रही है। और ऐसा काल्पनिक कहा गया है कि भगवान श्री राम और हमारे शिवरी नारायण में आकर और माता सबरी जी के जूठे बैर खाए हैं। तो हम लोगों ने ऐसा आह्वान किया अपने साथियों के साथ कि हम ये बैर लेकर और अयोध्या जाएंगे। अयोध्या पहुंच तो नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं लगता कि अयोध्या पहुंच पाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सी सिक्योरिटी है, लेकिन हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करेंगे कि हम लोगों ने एक वृक्ष रखा है, वो वृक्ष को और रास्ते से भी या कहीं से भी माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करेंगे कि वो वृक्ष अयोध्या में लगे और जिससे हमारे आस्था के प्रतीक जो वृक्ष है उससे भारत देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वो पेड़ प्रसिद्ध है और वो पेड़ अयोध्या में लगनी चाहिए। ऐसा मैं माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करता हूँ। जांजगीर चांपा से नोकेश साहू की रिपोर्ट, ACN 24।